नीतनराम मांझी जी को बेइज्जत करके मुख्यमंत्री पद से हटाया। करिश्मा है, कट एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप बने हुए न्यूज पेयर के साथ। मांझी का प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक बड़ा बयान कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को धोखा दे देंगे। अब इस पर घमासान मच गया है कि क्या लोकसभा चुनाव आने से पहले नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। इन तमाम बातों का कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जीताराम मांझी पार्टी से अलग हुए, उनके बेटे संतोष मांझी ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया मंत्री पद का, और उसके बाद सीएम नीतीश का ट्रम्प कार्ड जिस तरीके से दशरथ मांझी को ज्वाइन करवाना और उनके दामाद को ज्वाइन करवाना, कहीं ना कहीं जिस तरीके से लग रहा है कि यह कयास जो लगाया जा रहा था कि दलित कार्ड खेलने का, और उस पर जो अब बयान आ रहा है कि सीएम नीतीश कुमार आने वाले समय में क्या पलट कर एक बार फिर बीजेपी के साथ हो जाएंगे, क्या कुछ करे विजय चौधरी, जरा सुनिए। उन्होंने पार्टी में शामिल करा के दिखाने की कोशिश की कि जो मुसलमान समाज है उसकी कितने हितैषी जेडीयू है। स्वाभाविक है, जेडीयू ने ही मुख्यमंत्री पद से हटाया, यही तो नीतीश जी का करिश्मा है, कट एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट। एक ही जाति के पांच नेताओं को बेइज्जत करना, एक को गद्दी देना, दूसरे को हटाना, दूसरे को सटाना, यही है नीतीश कुमार का जलवा। नीतीश कुमार ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। बीजेपी में नीतीश जी 1996 से संपर्क में थे, और जहां तक दलित अपमान का बात है, नीतीश कुमार जी को यह आदत रहा है, पहले जीतन राम मांझी जी को बेइज्जत करके मुख्यमंत्री पद से हटाया, अब उनके बेटा को मुख्यमंत्री पद से हटाया। नीतीश कुमार अब तानाशाह हो गए, और जो तानाशाह हो गया वो बूढ़े हो चुके हैं, ये उनको पता नहीं है। तो जो बूढ़े आदमी हैं उनको आराम करना चाहिए।